हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप गूगल पे की 4 डिजिट लॉगिन पिन जो है लॉगिन पिन को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके गूगल पे की लॉगिन पिन नहीं है लेकिन पैटर्न या दूसरा पिन है तो भी आप चेंज कर सकते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आपने गूगल पे की 4 डिजिट लॉगिन पिन भूल गए हो तो किस तरह से रीसेट किया जाता है उनका वीडियो मैं ऊपर आई बटन पे दे रखा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं गूगल पे एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं पिन को चेंज करके दिखाऊंगा। देखिए, गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर राइट कॉर्नर में एक लोगो दिखाई दे रहा है, लोगो के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। अब थोड़ा नीचे देखिए, यहाँ पर सेटिंग्स के आइकन दिखाई दे रहा है, सेटिंग्स पर मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर गूगल पे की 4 डिजिट लॉगिन पिन को चेंज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। अब सबसे ऊपर देखिए, सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी एंड गूगल पिन। मैं सिक्योरिटी एंड गूगल पिन के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं पहला वाला जो 4 डिजिट गूगल पिन है, गूगल पिन को यहाँ पे इनपुट करके ओपन करूँगा। अगर आपकी कोई दूसरा कोड है या पैटर्न है तो आप वो इनपुट करके आप लॉगिन या ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यूज़ गूगल पिन बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर देखिए पॉइंट पे टिक है, तो मैं इसे चेंज करूँगा। तो ऊपर देखिए, मैं ऊपर यूज़ स्क्रीन लॉक के ऊपर क्लिक करके मैं गूगल पिन को चेंज करके स्क्रीन लॉक के ऊपर मैं क्लिक करके स्क्रीन लॉक को मैं सेट करूंगा। अब मैं बैक करके आपको शुरू से गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करके मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि चेंज हुआ कि नहीं। तो देखिए, मैं गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए, पैटर्न लॉक या स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए, इस तरह से लॉक था, यही पूछ रहा है। अगर आप का कोई दूसरा लॉक है तो वही पूछेगा। फ्रेंड्स, फिर से आप गूगल पे की लॉगिन पिन को अगर चेंज करना चाहते हो तो आपको फिर से वही ऑप्शन पे जाके आप सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं, जो मैं इस वीडियो में चेंज करके प्रैक्टिकल दिखाया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।